नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर। आज इनसे हम जानने वाले हैं पीएचडी की ए टू जेड जानकारी। जैसा कि आप लोग बहुत बार मुझे कमेंट में बोलते रहते हैं कि पीएचडी के रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक का क्या कुछ प्रोसेस रहता है, इनसे बताइए। सो मैम, पीएचडी है बायोटेक्नोलॉजी में, मैम ने पीएचडी किया है, बाकी ज्यादा कुछ जानकारी मैडम से ही लेते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। नाम तो जानते हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर। मैंने 2019 में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी, राइट। और ड्यूरिंग पीएचडी मेरा काम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पे था। मैंने कंपाउंड्स पे काम किया है, मैंने कुछ मॉलिकुलर लेवल पे काम किया है, और साथ में कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर लेवल एंड कुछ स्ट्रेटजीज पे काम किया है, जिससे हम कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स को इन्हांस कर सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स थे मेरे पीएचडी में। तो उसके बाद, फिर पीएचडी कंप्लीशन के बाद, मैंने कुछ पोस्ट डॉक काम किया है। मेरा कोलैबोरेशन आईआईटी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के साथ भी था, उनके साथ मिलके मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। पीएचडी का क्या प्रोसेस रहता है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बड़े डाउट रहते हैं, तो शुरू करें अगर हम, तो क्या-क्या स्टेप्स रहते हैं? ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो दो टेस्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, यूजीसी सीएसआईआर एंड आपका गेट का टेस्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो वही सेम सिलेबस होता है, उस टाइम क्लियर करना भी बहुत इजी रहता है, यंग एज होती है। और अगर आप किसी भी जगह में फिर आप पीएचडी के लिए जाते हो एडमिशन के लिए, तो आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ता, टेस्ट से आप एग्जाम्प्टेड हो राइट, जाते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू डायरेक्ट हो इंटरव्यू जाता होती है एंड ज्वाइनिंग हो जाती है। है। राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हमें उस लेवल का अपने आप को एक एंट्रेंस क्लियर करके अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए। दूसरा, डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस लैब में, जैसा हम काम करना चाहते हैं वैसी लैब, अगर आप मान लो किसी सीएसआर लैब में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को फुली प्री प्लान करके रेडी करना पड़ेगा। राइट। तो पहला स्टेप तो ये यही तो बोलूंगी। एंट्रेंस का स्टेप हो गया, मतलब हाँ, कहीं भी एनरोल करने का वाला स्टेप हो गया, अपने आप को प्रिपेयर करना। राइट। यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे? मैं तो यही बोलूंगी कि यूनिवर्सिटी से ज्यादा जिस सुपरवाइजर के अंडर हम काम करना चाहते हैं, राइट। कि उस सुपरवाइजर की प्रोफाइल देखनी चाहिए कि नहीं, बट हम अगर हम बात करें बाहर, कोई भी कॉमन मैन है उसको ये नहीं पता ना कौन सुपरवाइजर होगा। हाँ सकते हैं कि अगर तो आप का कोई जैसे फेवरेट टीचर रहा है, कोई रिसर्चर रहा है, तो दो तीन वेबसाइट्स हैं, स्कॉलर गूगल है स्पेशली, ओके आप उस साइंटिस्ट का नाम या उस प्रोफेसर का नाम वहाँ पे डालकर उनके ओके सारे पेपर्स पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा, रिसर्च गेट एक है, वहाँ पे हर रिसर्चर की एक प्रोफाइल रहती है। वहाँ पे उस पेपर को, उनके पेपर्स को कितने लोग, कहाँ से साइटेशन मिल रहा है, तो उस प्रोफेसर का इतना बेसिक आइडिया तो हर स्टूडेंट को मिल जाता है कि ऑलराइट। हम उसके अंडर जाएं या दूसरा सुपरवाइजर। पहला काम ये होता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, कुछ किसी ऐसे प्रोफेसर के पास जाओ जो बिल्कुल कीन टू हो अपने रिसर्च में, कि कॉन्टिन्यूसली उसके पेपर आ रहे हैं, तो ये लगता है कि वो साइंटिस्ट या प्रोफेसर या सुपरवाइजर जिसको हम बनाने चाहते हैं, वो एक्टिव है हमारी रिसर्च में। सो ये सिलेक्शन हो गया हमारा, सुपरवाइजर हमने देख लिया, देन वो जो सुपरवाइजर जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है हम लोग वहां अप्रोच किया। हाँ जी, जी फिर उस यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स होते हैं एंड बेसिक, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी यूजीसी के रूल्स फॉलो कर रही है, तो बेसिक जो यूजीसी के रूल्स हैं, ज्वाइनिंग से लेकर एग्जाम देने तक, कोर्स वर्क की एग्जाम देने तक, तो 8 to 9 months लग जाते हैं। और उसके बीच में हम सुपरवाइजर भी देख सकते हैं अपना, और उनके साथ बात कर सकते हैं कि हम इस चीज पे नी रिसर्च करना मैम, चाहते हैं। जैसे हम बात करें तो कोर्स वर्क को लेकर ना काफी डाउट रहता है लोगों को, कि कोर्स वर्क रेगुलर अटेंड करना होता है, या कोई लोग जैसे वर्किंग है पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको किस तरह करना है, इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंट पीएचडी कर रहे हैं, या पार्ट टाइम भी कर रहे हैं जैसे। पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ये होती है कि ऑनलाइन या वीकेंड्स में वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी यस, और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल है। तो कुछ मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने वीकेंड्स पे क्लासेस की ऑप्शन स्टार्ट कर दी है, और सिर्फ कैंडिडेट को एग्जाम के लिए आना पड़ता है।
और ड्यूरिंग अगर कोर्स वर्क हम सुपरवाइजर से मिल लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबमिट करना पड़ता है, तो वो अच्छा होगा कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं जिस सुपरवाइजर के साथ, तो वही रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखवा लिया जाए, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और एक एग्जाम पर्पस के लिए भी हमारा अच्छा रहेगा राइट टाइम। कोर्स वर्क के बाद टाइटल आउट कर लिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपका टाइटल फाइनल टाइटल होना। सो टाइटल फाइनल होने के लिए सब पैनल मेंबर्स बैठते हैं, आजकल तो कुछ सात फले जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो भी पैनल मेंबर में हमेशा रहते हैं, जो आकर बच्चे को गाइड करते हैं एंड उसको सजेशन देते हैं अच्छे, उसका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि क्या उसको आगे जाकर कुछ हर्डल्स आ सकते हैं उसके लिए इजी रहेगा, का पोटेंशियल जानते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर होता है टाइटल फाइनल करने। जैसे मैंने बोला कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सो पहला अगर आपने एक सक्सेसफुल स्कॉलर बनना है, सबसे पहले रिसर्चर बनना है, तो जिस चीज पे आप काम करना चाहते हो कि सुपरवाइजर, पहला सर्च होता है अच्छा सुपरवाइजर देखो, दूसरा होता है वो एक्टिव हो, तीसरा फिर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, राइट आपको एक्टिव होने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, वो पेपर्स देखने पड़ेंगे कि मैं जिस भी फील्ड में काम करना चाहता हूँ सो उसकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बैठो, साइंस डायरेक्ट है, स्प्रिंजर है, स्कॉलर गूगल है, वहाँ से स्कोपस इंडेक्स है, सो वहाँ पे जाकर सारे पेपर्स डाउनलोड करो, अपना माइंडसेट रेडी करो कि आपको एक फोबिया ना रहे कि मुझे आगे जाकर मेरा फ्यूचर ये ना हो कि मुझे कुछ ब्लैंक ट्रैक स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट उसको पता, तो वो पता होने के लिए उसको प्रॉपरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, फिर वो स्टूडेंट खुद ही एक ट्रैक पे आ जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है। उसके बाद जो भी उसको गैप्स मिलते हैं, जो भी वो काम करना चाहता था को जो गैप्स फाइंड आउट हुए कि इतना काम इस फील्ड में हो चुका है, अब मुझे मॉडर्न जैसे अप्लाइड का जमाना है लेकिन बेसिक भी साथ में थोड़ा लेकर चलना चाहिए। अप्लाइड वे में सोचो कि आप इसको कोई भी चीज़ है जो आप इम्प्लीमेंट और फर्दर किसी चीज़ को इन्हांस कर रहे हो, उस लेवल का आप सोचो कि ये नहीं है कि वो उस चीज़ पे काम हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, वो सेम चीज़ किसी भी मेडिसिनल प्लांट पे आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कल्चरिंग कर सकते हो, जो भी आपको नया लगता है दूसरे फील्ड में हुआ है लेकिन आप जो चाहते हैं कि इस प्लांट में हो जाए इस कंपाउंड्स पे काम हो, तो आप सेम उसको उसमें अप्लाई कर सकते करूँ हो। तो ये आपने फिर गैप फाइंड आउट करना है, गैप फाइंड आउट करने के बाद फिर आपके माइंड में फिर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चनिंग आनी बहुत शुरू ज़रूरी होती है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने शुरू हो जाए, तो फिर और हमारा ट्रैक उस फ्लो में जाता है। फिर उसके बाद गैप के बाद हम एक मटेरियल एंड मेथड जो हमें चाहिए होता है, एक हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, तो उस वे से अरेंज करते हैं, लैब्स में सारी प्रिपरेशन होती है एंड लैब वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आप प्रॉपरली प्लान हो, आपने रिव्यू अच्छे से किया है और के बाद आपने गैप्स फाइंड आउट कर लिए हैं, आपको पता है मटेरियल्स क्या चाहिए, हर चीज अरेंज करी है, सुपरवाइजर से डिस्कशन है, तो 2-3 ईयर्स में आपका ये लैब वर्क कंप्लीट हो जाएगा। राइट और लैब वर्क करते करते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाइज होता है, तो फिर हम साथ में क्योंकि लिख रहे हैं हर चीज, हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो रहा है, तो उसको एक राइटअप में साथ साथ में लाते रहें, पूरी फॉर्मेट इससे ये होगा कि आप स्टार्टिंग में जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में हर चीज होती है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उसको एक रिटन फॉर्म में लाते रहो ताकि साथ साथ में आपके अच्छे रिप्यूटेड पेपर्स भी पब्लिश होते रहें, और एंड पे ये सारा मटेरियल आपका थीसिस के लिए, और आपको पता भी नहीं चलता कि लैब में काम करते करते साथ साथ में लिखते हुए आपका थीसिस भी कब ऑलमोस्ट रेडी हो जाता ठीक है। सो रॉ मटेरियल के साथ में। ऑलमोस्ट मटेरियल रेडी हो गया, हमने उसको राइटअप कर लिया, अभी आगे मूव ऑन करना है, तो आगे हाँ क्या जी, रहेगा? बस के बाद प्री सबमिशन, वो भी हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल है, कुछ यूनिवर्सिटीज में प्री सबमिशन होता है, साथ में प्रेजेंटेशन चलती हैं, जैसे 6 मंथ्स के बाद हमें अपना रिपोर्ट देना होता है, प्रेजेंटेशन होती है कि हमने कितना कर लिया,
और सुपरवाइजर के तो टच में रहते ही हैं। बस एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, हर साल हमें सबमिट करनी होती है कि हमने इतना कर लिया। उसमें सारे पैनल मेंबर्स बैठते हैं, सीनियर पैनल मेंबर्स होते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप सही जा रहे हो, जहाँ आपको कहीं पे कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। राइट, जैसे अभी राइटअप हो गया, थीसिस के हाँ लिए प्रिपरेशन हो गया, प्री सबमिशन के लिए राइटअप हो गया, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? तो प्री सबमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जाता है, के बाद हमें उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आपका थीसिस जो है उसका प्लेगरिज्म चेक होगा। पहले तो 20% होता था प्लेगरिज्म, अब 10% से नीचे प्लेगरिज्म होगा। तो ये प्लेगरिज्म के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है? हाँ हर अपने आपने बताया सॉफ्टवेयर्स हैं, था। तो उस सॉफ्टवेयर में चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक बार थोड़ा सा प्लेगरिज्म भी बता दीजिए, क्योंकि काफी लोगों को आइडिया होगा, काफी लोगों को नहीं होगा। प्लेगरिज्म होता है कि वो जितना भी मटेरियल आपने लिखा है वो आप ही का होना चाहिए। अगर आपने किसी का कॉपी किया है तो उसको बोलते हैं वो प्लेगरिज्म में आना। मान लो आपने अपने 100% आपके थीसिस में से 50% आपने कॉपी किया हुआ है, किसी वेबसाइट से किया है, किसी जर्नल से किया है, तो वो मैच कर जाएगा। और ये फिर आप उस एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं कि आप उसको एक प्री सबमिशन अपनी सबमिट कर सको थीसिस। राइट, वहाँ अभी 10% रूल चल रहा है, 10% से नीचे, क्योंकि 10% आ ही जाता है, कहीं ना कहीं कंपाउंड का नाम मैच होता है, किसी वर्ड के की वर्ड मैच हो जाते हैं, तो 10% यूजीसी का जो अब रूल चल रहा है तो वो अलाउड हो। उतना अलाउड होता है। वो भी पूरे थीसिस में पेजेस में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे मैच हो जाते हैं, तो सिमिलैरिटी बोला जाता है कि जितनी कम सिमिलैरिटी होगी उतना आपका थीसिस जो है और आगे जाकर पेपर पब्लिश करने में भी हमें इजी होगा, क्योंकि हमारा अपना ओरिजिनल काम होगा। ओके, प्लेगरिज्म अब हमारा 10% से नीचे आ गया है, उसके बाद क्या रहेगा? के बाद ये जितने भी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो प्री सबमिशन के टाइम हमें सबमिट करने होते हैं, उसमें एक प्लेगरिज्म रिपोर्ट भी होती है। के बाद जब अप्रूवल आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप इस डेट को फिर से, जैसे हमारा टाइटल फाइनल हुआ था, कुछ पैनल मेंबर्स बैठते हैं, अगेन जितने सीनियर प्रोफेसर लेवल के होते हैं सब बैठ के वो फिर आपका जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में दी थी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये गैप्स हैं, कैसे करूँगा, वो सब देखा जाता है कि आपका रिजल्ट कितना वैलिड है, कितना आपने, फिर क्रॉस चेकिंग होती मैच है कर रहा है जो आपको। आपने प्लान करके यस चले थे और यस एक्चुअल क्या चल रहा है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि कई बार सेम, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है। राइट, ये चेक किया जाता है लास्ट में, क्वेश्चनिंग्स होती हैं प्रॉपर। ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी आपका चल सकता है। तो जितनी देर वो सारे पैनल मेंबर वाले उसको फाइनल नहीं कर देते, वो फिर फाइनल थीसिस सबमिशन के लिए तब तक वो अप्रूव नहीं होता। राइट, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, कई स्टेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो तो एक स्कॉलर ही है और आगे प्रोफेसर हैं, तो उनको कुछ रिकमेंडेशंस दे दी जाती है कि आप इसमें इतनी चेंजेस करके सबमिट करके, तो उनका दोबारा फिर प्रेजेंटेशन होता है। अप्रूवल के बाद वो फाइनल रेडी होता है, तो जो भी यूनिवर्सिटीज के रूल होते हैं, आगे एक्सटर्नल के पास थीसिस फिर जाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो एक एक्सटर्नल आपका फॉरेन का प्रोफेसर होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका थीसिस आता है। वो डिपेंड करता है अब वो प्रोफेसर कितना टाइम ले रहे हैं उसको चेक करने में, वो आपकी रिपोर्ट आती है, वो सारा R&D ब्लॉक उसके साथ डील करता है, और ये लास्ट स्टेप फिर उसमें थोड़ा स्टूडेंट को रिलैक्सेशन, क्योंकि वो जो काम था अपना वो थीसिस के फॉर्म में भेज चुका है, तो तब वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है उस टाइम पे, जब पेपर पब्लिश कर सकता है जो तो थीसिस में लिखे पब्लिश हैं। के बारे में थोड़ा बताएंगे, पेपर पब्लिश कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे करना चाहिए और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं? हाँ, जैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी फील्ड में हूँ, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ दी जर्नल्स हैं ये BMC में आते हैं, BMC में पब्लिश कर सकते हैं। नेचर पब्लिशर है, उसके अंडर आप पब्लिश कर सकते हो, अल्जीवियर के जर्नल्स हैं। आपका काम जैसा मैच होता है के साथ के अकॉर्डिंग, जिसके पेपर्स आप पढ़ रहे थे जिस जर्नल्स के थ्रू आउट योर PhD,
सो वो जर्नल्स को आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि थीम मैच होना चाहिए. जैसे मैथमेटिक्स के जर्नल अलग होते हैं, बायोलॉजिकल जर्नल अलग होते हैं. अगर आप सेल बायोलॉजी पे काम कर रहे हो उसका अलग होता है, किसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो तो उस जर्नल का नाम अलग होता है. तो हम अपने काम की मैचिंग के अकॉर्डिंग उस जर्नल में फिर सबमिट करते हैं अपना पेपर. वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है, अगेन वो फ्लैग चेक करते हैं. तो अगर फ्लैग उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंडर हो तभी वो पेपर रिसीव करते हैं. एक्सेप्ट तो बाद में होता है, ओके, के बाद फिर वो उसको नेक्स्ट प्रोसीजर में तो ये ले. प्रोसेस पेड रहता है पब्लिश करना ये सारा? हाँ, जब हम किसी जर्नल को भेज रहे हैं तो वहाँ पे दो वर्ड्स लिखे होते हैं, ओपन एक्सेस एंड दूसरा अनपेड. एक वर्ड होता है, अगर ओपन एक्सेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली अनपेड होता है. ओपन एक्सेस में हमें पे करना पड़ता है. और बहुत सारे बायोलॉजिकल जर्नल्स हैं, जैसे मैं बताती हूँ एक दो जर्नल्स का नाम. फूड केमिस्ट्री हो गया एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स जर्नल हो गया. ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपका पेपर पब्लिश हो जाता है. ये कुछ रिप्यूटेड जर्नल्स हैं जहाँ पे आपका काम भी बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए. जैसे थीसिस चली फाइनली, सो ऑल डिग्री समझो आ गई हाथ में, अभी कुछ और बचता है आगे? नहीं, अगर बहुत कोई लकी रहे और बहुत अच्छा उसने, अगर उसको लगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी वो सीनियर प्रोफेसर से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट के पास आपका थीसिस आ रहा है. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और जब तक व्यूअर के आपके पास, सीनियर प्रोफेसर के आपके पास कमेंट्स नहीं आ जाते, आपके पास नहीं आते हैं, R&D ब्लॉक के पास सीधे आते हैं. अगर आपका सीन प्रोफेसर के पास गया है, सो उसमें मोस्टली सीनियर प्रोफेसर ही होते हैं, कुछ एमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं. तो उसमें से दो साइंटिस्ट को अच्छा लग रहा है, दो प्रोफेसर को अच्छा लग रहा है, तीसरे ने कुछ चेंजेस के लिए या रिजेक्शन के लिए R&D को बोल दिया कि इसको चेंजेस करना पड़ेगा, तो जो थीसिस आपने बाइंड किया है वो फिर से वो सारी चेंजेस करके आपको वो रीबाइंड करके फिर सबमिट करके और दोबारा थीसिस उनके पास आएगा. जब तक वो अप्रूव नहीं करते हैं तो ये उनके ऊपर नॉर्मली होता है. कई बार वो 1 ईयर भी देते हैं अगर वो बहुत बड़ा काम चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो अप टू दी 1 ईयर भी कई बार दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको दोबारा सबमिट करके रीबाइंड करके हमारे पास भेजना पड़ेगा. और सब कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आने के बाद फिर थीसिस हमारा सबमिट हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में. हर यूनिवर्सिटी के अपने जहाँ भी वो डिपार्टमेंट होता है वहाँ सबमिट हो जाता है. के बाद फिर उसका वाइवा शेड्यूल कर दिया जाता है. और वाइवा जो है, अगेन वो 3 प्रोफेसर्स में से एक सिलेक्ट किया जाता है. तो उसको की डेट्स के अकॉर्डिंग जब भी वो अवेलेबल होगा, वो 1 ईयर के बाद होगा, हो सकता है वो 2 मंथ्स के बाद ही अवेलेबल हो, 1 मंथ के बाद भी आपको इमिडिएटली भी दे सकता है कि मैं आफ्टर 1 मंथ आपका वाइवा. तो ओपन वाइवा होता है. ओपन वाइवा का मीनिंग है कि यूनिवर्सिटी या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी में से भी कोई भी आपके सामने बैठ सकता है, आपका काम पूरा सुनेगा, और कोई भी आपको वहाँ बैठ कर पॉइंट आउट कर सकता है. आपका एक्सटर्नल तो बैठेगा जिसको बोलते हैं, तो आपका एक्सपर्ट एक्सटर्नल प्रोफेसर आपका वाइवा ले रहा है. साथ में यूनिवर्सिटी के सब सीनियर पैनल मेंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स के भी बैठ सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी बैठ सकते हैं. सो ये ओपन टू ऑल होता है, सब सब इनवाइटेड होते हैं. तो आपको वहाँ पे बिल्कुल देना होगा, स्पेशली एक्सटर्नल का. तो जैसे ही वो आपके काम के साथ बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं, वो लास्ट स्टेज होता है, उनका अप्रूवल होता है, तो आपका थीसिस फिर फाइनल सबमिट हो जाता है. और आपको उस दिन डॉक्टरेट का एक कॉन्ग्रेचुलेशन मिल जाता है कि आप डॉक्टरेट बन सकते हैं. सो मतलब उसके बाद डिग्री विग्री तो बाद में आती वो एक कन्वोकेशन है सेम कि कुछ यूनिवर्सिटीज हर साल कन्वोकेशन करवाती है. हाँ, बस लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. लॉकडाउन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कन्वोकेशन थोड़ी रुक गई थी, और हर साल मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज करवाती है, और कन्वोकेशन पे डॉक्टरेट डिग्री आपको दे दी जाती है. और जब तक अगर किसी बच्चे ने
कोई जॉब की इंटरव्यू देनी है वाइवा के बाद, वो यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है वाइवा डिफेंडिंग का, तो वो बच्चे के पास एक प्रूफ आ जाता है कि मैं तो का लिखा जाता है वहाँ पे, नेक्स्ट जहाँ भी वो डॉक्टर लगा इंटरव्यू दे सकता रहा है, है डॉक्टर लगा सकता लगा है। सकता है, वहाँ लिखा जाता है कि वाइवा डिफेंडिंग कैंडिडेट, तो राइट इसने अपना डिफेंड करा हुआ है, तो उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है, टाइटल होता है, सुपरवाइजर का नाम होता है, अगर कोई को सुपरवाइजर हो उसका भी नाम होता है कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुली अपना वाइवा डिफेंड कर चुका है। आई होप कि आप लोगों के काफी सवाल थे क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा काम की जानकारी आपको मैम ने दी। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैम के साथ एक और सेशन हम रिक्वेस्ट कर लेंगे और फिर कभी एक और वीडियो बनाएंगे मैम के साथ। तो बहुत थैंक यू।